और उसकी वजह से जो हमारे फंडामेंटल हैं वो बहुत मजबूत हैं। अभी आप देखिएगा अभी तो बहुत दबी छुपी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक को भी वैसे बोलने में उसके गले में चीजें अटकती हैं आज मात्र केवल विदेश नीति में पाकिस्तान के साथ नहीं फंसा हुआ है आज वो ग्लोबल मुद्दों पे बात है वो पाकिस्तान को तो हम बहुत पहले डिस्कार्ड कर चुके हैं नमस्कार दोस्तों इंदु इंदुहाड़ा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम व्यू पॉइंट जिसमें हम देश और दुनिया के चर्चित मुद्दों पर बातचीत करते हैं और बातचीत करने के लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमान ओजांग आई एस अकेडमी की एम डी ओजांग सर सर आपको बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आप सभी का तो so सर आज हम जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वो ये है कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट को रिवाइज़ किया है जो जी डी पी ग्रोथ फोकास्ट जो इंडिया के लिए किया गया था जिसमें कि हमने अक्टूबर में देखा कि उन्होंने सेवन पॉइंट फाइव जो हमारा रेट था उसे घटाकर सिक्स पॉइंट फाइव कर दिया था लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका नाम है नेविगेटिंग द स्टॉम जिसमें उन्होंने हमारी जो जीडीपी की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसे बढ़ाकर 6.9 परसेंट कर दिया है और इस रिपोर्ट को नाम दिया है नेविगेटिंग द स्टॉम तो इसे सुनते ही मन में क्वेश्चन uh, उठ रहा है कि स्टॉम क्या है क्या समझाना चाहते हैं ये इस स्टॉम के जरिए क्या मतलब है यहाँ पर स्टॉम का आ, ये रिपोर्ट का जो शीर्षक है टाइटल है वो हुँ. सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेविगेटिंग द स्टॉम यानी तूफानों से निकल जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अब समझना पड़ेगा स्टॉम शब्द का मतलब क्या है जो पूरा वर्ल्ड सेनेरियो जो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक्स था वो बहुत आपस में ग्लोबलाइजेशन के बाद आपस में गुथ गया था यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरा विश्व जो है इंटरनेट के माध्यम से और जिस तरह से इकोनॉमीज uh, एक दूसरे के साथ रन कर रही थी वो एक देश में होने वाली घटना दूसरे देश को प्रभावित करती है अब जो स्ट्रांग था उसको समझना पड़ेगा क्या क्या है कोविड आया और उसने पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को लगभग ठप कर दिया और हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म ये सारा बिजनेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन था वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ खासतौर पर अगर हम बात करें चाइना चाइना जो धीरे धीरे सप्लाई चेन के सेंटर की तरफ जा रहा था वो दुनिया की फैक्ट्री बनता चला गया तो वो भी बुरी तरह से इसमें परेशान रहा डिस्ट्रॉय रहा देश अब ग्लोबलाइजेशन में अपना पार्टिसिपेशन करने की बजाय लोगों के जान बचाने अपने हेल्थ सेक्टर को संभालने इनमें वो बुरी तरीके से फंस गए हम जब कोविड से धीरे धीरे निकले तब तक रशिया यूक्रेन वॉर अच्छा रशिया और यूक्रेन भी जो है वो कई तरीके से आए नैचुरल गैसेज की बात हो फूड सप्लाई की बात हो तमाम तरह के जो है उस सिस्टम की बात हो वो भी उसके सप्लाई चेन के वो एक हब में है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जिस तरह से उथल पुथल हुई अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया और ये देखा गया कि अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकला और पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल उसकी जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हुई जो बाइडन पूरी दुनिया में उस तरह से नेतृत्व नहीं कर पाया जो अमेरिका का नेतृत्व होता था और तमाम मुद्दों पर अमेरिका और तमाम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बहुत बुरी तरह फंसे रहे ब्रिटेन में आपने देखा किस तरह से जो है वो उथल पुथल हुई जर्मनी भी एकदम शांत हो गया एंजला मार्गल के बाद वो व्यक्तित्व तो उसको नहीं मिल पाया तो जो वेस्टर्न ब्लॉक्स था जो पूरी दुनिया को लीड कर रहा था या उसकी जो पावर चल रही थी वो भी खत्म हो गई थी यानी धीरे धीरे अन्य क्षेत्रीय शक्तियां भी उभरने लगी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया और वहाँ पर पॉलिसी को लेकर बड़ी उठापटक हुई थी अगर मैं बात करूँ तो कोविड ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया वॉर ने सप्लाई चेन को बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर जो है वो बर्बाद किया डिस्टर्ब किया और डिस्ट्रीब्यूशन को अनइवेंट कर दिया फिर जो अमेरिका और वेस्टर्न ब्लॉक्स थे उनमें भी अपनी जो अपने देश में ही वो पकड़ से नहीं जूझ पा रहे थे पॉलिसीज नहीं कर पा रहे थे दुनिया को तो लीड करने की उनके पास पावर नहीं है अब हुआ क्या कि इस तरह से जो सिचुएशन थी बहुत वर्स्ट होती चली गई बहुत वर्स्ट होती और दुनिया के कई बड़े-बड़े देशों को भी समझ में क्या किया बहुत पहले ही भारत ने जो अपनी एक मूल प्रवृत्ति रखी थी कल्याणकारी राज्य कि जो है वेलफेयर स्टेट बनने की तो हमने बहुत पहले यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा तामझाम बना तो हमने पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा कि मनमोहन सिंह सर के गवर्नमेंट में नंदन निलेखनी की अध्यक्षता में आधार यानी कि जो उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनी तो उस सबके पास एक डिजिटल आ गया उसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आते हैं वो जनधन को यानी कि बैंक अकाउंट गरीबों के लिए उसको बहुत व्यापक तरीके से वो करते हैं हाँ। फिर नोटबंदी करके वो डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं तो आगे चलकर एक त्रिकोणीय मंच तैयार हुआ जिसको जैम ट्रिनिटी बोलते हैं जनधन आधार और मोबाइल तो इसको जैम बोला जाता है इसके माध्यम से जो हर व्यक्ति का डाटा खाता ये सब कुछ गवर्नमेंट के पास आ गया यानी लाभ देने वाला और लाभ पाने वाला दोनों डायरेक्ट कनेक्ट हो डायरेक्ट कनेक्ट उनके बीच में कोई कोविड ने पूरे दुनिया भर के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया था कर दिया। आप डायरेक्टली जा नहीं सकते मिल नहीं सकते लेकिन सरकार ने क्या किया एक कीन्स का सिद्धांत होता है इकोनॉमिक्स में कि जब मुसीबत आती है और लोगों के पास पैसे नहीं रह जाते तो सरकारें जो है वो लोगों को या तो पैसा देती हैं या सरकारें खुद खर्च बढ़ाती हैं तो ज्यादातर ऐसा होता कीन्स इकोनॉमी ने कहा था कि सरकारें खुद खर्च बढ़ाती हैं जब अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आई थी तब ये बात कही गई थी लेकिन इस कंडीशन में ऐसा था कि सरकार भी खर्च करे तो कहां करे सब कुछ तो लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ है तो सरकार ने क्या किया लोगों के खाते में पैसे भेजे डायरेक्ट डायरेक्ट इसको बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में भेजा गया बहुत बड़ी संख्या में में उनको खाने पीने की मदद किसान कल्याण निधि पैसा दिए हर तरह से मदद दी गई तो लोगों के पास जब वो पैसा आया तो उससे उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी मेंटेन हो गई जो इस रिपोर्ट की जो सबसे खास बात है वो सुनने की बात है कि जो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है ना वो बहुत ही ताकतवर वो फंडामेंटल है कि ये जो ग्रोथ है वो दो फैक्टर्स में है पहला फैक्टर जो है उसको प्राइवेट जो है वो कंजप्शन कहते हैं तो यानी कि जो लोग निजी जो उन्होंने अपना खपत की तो वो मांग को उन्होंने बढ़ा के रखा यानी कि मार्केट में मांग बढ़ने लगी जैसे ही वो लॉकडाउन की कंडीशन हटी लोगों ने उस पैसे का उपयोग किया मांग को बढ़ाने में तो जब डिमांड किसी इकोनमी में आती है तो सप्लायर वहां पहुंच जाते हैं Hmm. पूरी दुनिया में लगा कर पूरी दुनिया इकोनॉमी झेल नहीं पा रही है ब्रिटेन झेल नहीं पा रहा है कोई भी देश नहीं झेल पा है। रहा है इंडिया में डिमांड हो रही है hmm. तो सप्लायर जब पहुंचता है तो अपने साथ कैपिटल लेकर पहुंचता है अपने साथ टेक्नोलॉजी लेकर पहुंचता है अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर पहुंचता है तो उसने इंडियन इकोनॉमी में जो एक प्रवाह है जो करंट है वो लगातार बनाए रखना ये पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल था दूसरा इस रिपोर्ट में कहा गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है कि भारत ने कुछ साल पहले ही एक अपनी छवि बहुत ईमानदार रखी सरकार ने कहा कि हम बहुत ईमानदार छवि के हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी काम करने में जो आसानी है मतलब ढेर सारे पेपर बंद करना नौकरशाही से हटना लाल फीताशाही से हटना तो सरकार ने जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर Ease of doing business किया, इससे व्यापार करना आसान हो गया तो वो जो शुरुआत हमने की थी डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देना और ई वीजा वीजा ऑन अराइवल तो की, लाने की, की, बात जो की थी ठीक है तो टीईसी का लेकर आई थी सरकार ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन ठीक है यानी कि पूरे इकोमी को ट्रांसफॉर्म करना एनर्जाइज करना यानी हर तक पहुंचना और क्लीन यानी साफ सफाई रखना पारदर्शिता रखना तो उसका फायदा अब हमें देखने लगा जहां पूरी दुनिया परेशान है चीन वास्तव में कोविड से परेशान है फिर से वो लॉकडाउन की तरफ जा रहा है और दुनिया भर के देश कहीं राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है कहीं सरकारें स्थाई नहीं है कहीं पॉलिसी स्थाई नहीं है ऐसे में भारत में सब कुछ बेस्ट चल रहा है बेस्ट लोगों के पास पैसा है उनके बैंक में पैसा है लोग जो है वो खर्च करने के लिए तैयार हैं ठीक है और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं सरकारें भी सहूलियत दे रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बूम भारत में आया अब तीसरी चीज है सरकार ने कुछ साल पहले ही जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा डालना शुरू किया जैसा कि चीन ने उन्नीस के दशक में किया था okay. चीन ने अपना जो सरप्लस पैसा था वो कैपिटल में डालना शुरू किया एक होता है खर्च जब आप बेवजह खर्च करते हो बहुत ढेर सारी योजनाएं बना देते हो लोक लुभावन चीजें खर्च करते हुँ। हुँ। हो एक खर्च होता है जब सरकार कैपिटल में पैसा खर्च करती है सड़कें बिजली और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक कम्यूनिटीज तो जब ये पैसा जब खर्च होता है इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं निवेश कहते हैं ये जब बनके तैयार होता है तो ये कई गुना रिटर्न करता है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा होता है जो अवसंरचना का पैसा होता है उसको बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी का कोर कहा जाता है यानी कि स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था सरकार बनाती है आपने सरकार ने एक सड़क बना के दे दी अब जैसी सड़क बनती है आपने देखा होगा सड़क के आसपास ढाबे खुल जाते हैं दुकानें खुल जाती हैं आवाजाही बढ़ जाती है पेट्रोल पंप अपने आप लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है तो अब संरचनाएं जो होती हैं स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्थाओं को जन्म देती हैं तो ये सरकार ने इस पर बहुत जबरदस्त पैसा खर्च करना शुरू किया ताकि सस्टेनेबल ये पैसा जो है अब रिटर्न आ रहा है और उसकी वजह से जो हमारे फंडामेंटल हैं वो बहुत मजबूत हैं अभी आप देखिएगा अभी तो बहुत दबी छुपी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक को भी वैसे बोलने में उसके गले में चीज़ें अटकती हैं फिंच हो गया स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गए ये जब भारत की तारीफ करते हैं ना तो इनको खराश बहुत होती है तो ये खांसते खांसते भी इन्होंने सिक्स कहा है एक्चुअली में हमारे फंडामेंटल और स्ट्रांग हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें हमारी निकल बाहर आएंगी तो सही कहा आपने कि हमारे जो है फंडामेंटल इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से शायद वर्ल्ड बैंक को अपनी रिपोर्ट रिवाइज़ करनी पड़ी और वर्ल्ड बैंक के जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं ध्रुव कुमार जिनका नाम है उन्होंने कहा है ये चीज़ माना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछले दस सालों की तुलना में काफ़ी मजबूत हुई है एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है इस पे कि वर्ल्ड बैंक इस तरीके से अपनी रिपोर्ट को रिवाइज कर रही है करे बहुत रेयर देखने को मिलता है वो भी ऐसे ग्लोबल टर्मोइल के बीच में तो ये रिपोर्ट हमारे लिए एक तरीके की गुड न्यूज है क्या इम्पैक्ट जो है भारत का इसके ऊपर रहेगा इस रिपोर्ट का देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत आज पूरी दुनिया के लिए बहुत आकर्षक इन्वेस्टमेंट हब है और इन्वेस्टमेंट भारत को भी चाहिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपने साथ साथ बहुत कुछ लेकर आता है वर्क कल्चर लेकर आता है टेक्नोलॉजी लेकर आता है भारत का जो सबसे बड़ा पड़ोसी जो सबसे ज्यादा निवेश मांगता था चीन परेशान है लॉकडाउन से वहां पे होने वाले विद्रोह से हाँ। हर चीज से वो परेशान है उसके बैंक धीरे दीर धीरे कंगाल हो रहे हैं उसका रियल एस्टेट डाउन हो रहा है दुनिया के और कोई देश इन इंस्ट्रूमेंट को संभालने की हालत में नहीं है भारत में न्यायपालिका अच्छी है भारत में सरकार स्थायी है और आज सरकार पूरी दुनिया में ये मैसेज देने को तैयार है कि हम जो वन नेशन छोड़ो हम वन वर्ल्ड की बात करने को तैयार तो बड़े विजन के साथ हम आ रहे हैं बहुत और हमारी कथनी करने में ज्यादा अंतर अब नहीं दिखाई पड़ा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो जो निवेशक होता है ना वो अपने पैसे की श्योरिटी को लेकर बड़ा परेशान रहता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां वापस आएगा कि नहीं आएगा

फंसेगा नहीं तो ऐसी कंडीशन में जो ये रिपोर्ट आई है वो भारत के फंडामेंटल में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएगा और जब निवेशक पैसा लेकर आएंगे जैसे अभी कुछ समय पहले आपने देखा कि स्टार्टअप के मामले में हम बहुत आगे चले गए हैं भारत में स्टार्टअप का जो है वो धीरे धीरे इतना जबरदस्त पावर बन रही है कि आज वो सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त करने वाले देशों में टॉप थ्री में हम आ चुके हैं तो ये जो चीजें हैं वो बता रही है कि भारत में जो निवेश यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करने की पोजिशन बहुत अच्छी है तो दुनिया भर के निवेशक जब पैसा लेकर आएंगे तो हमारा जो बेसिक

ऐसे में हमारे लिए इस ग्रोथ रेट को और ज़्यादा बढ़ाना भी हमारे लिए एक जरूरी हो जाता है लेकिन क्या इस तरह के ऐसे नंबर को अचीव करना और जीडीपी की ग्रोथ रेट को बढ़ाना ही हमारा मकसद होना चाहिए या फिर ज़मीनी विकास की डेवलपमेंट की हम बात करें ये उससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम अगर बहुत सारे विकसित देशों के अगर हम उदाहरण हम देखें चाइना के अमेरिका या कई और देशों के हम बात कर लें जहाँ पे वो कहने में तो उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत ऊपर है हाई फाई है लेकिन फंडामेंटल्स अगर उनके देखें कि लोग उनके हैप्पी नहीं है या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट बहुत ठीक से नहीं हो रहा है या स्ट्रेस या सुसाइड्स के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं हुँ. तो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है और ये हमारी ग्रोथ रेट से जीडीपी ग्रोथ रेट से किस तरीके से जुड़ा हो सकता है एक संतुलन कैसे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी रिपोर्ट में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि भारत में जो एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया है कि क्या भारत की ग्रोथ जो है वो जॉबलेस ग्रोथ है

वो वृद्धि हमें नहीं दिखाई पड़ी जो इनफॉर्मल जो है वो सेक्टर में हमें दिखाई पड़ी असंगठित क्षेत्र में अब उसमें कंसर्न किया गया है कि भारत सरकार ऐसा क्या करेगी जो हमारे जो चौरासी प्रतिशत के आसपास जो कभी हिस्सा हुआ करता था 84 परसेंट हमारे जॉब मार्केट में वो असंगठित क्षेत्र का था इनफॉर्मल सेक्टर का था जॉब वहां क्रिएट हो रही है और सरकार उसको फॉर्मल कैसे करेगी

तो जो नई नई चीजें हो रही हैं जैसे बैंकों के साथ जोड़ा जाना स्टार्टअप इंडिया और तमाम प्रोग्राम जो हो रहे हैं आधार के साथ जोड़ा जाना MSMEs को लेकर आना उससे हमें इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में कन्वर्ट करने में मदद तो मिल रही है लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है हम उसको संगठित कर पाने में अभी बहुत पीछे है क्या और प्रयास कर सकते हैं इसके लिए इस सबसे पहले बात तो प्रयास से पहले हमें सुधार करने होंगे हमारे लेबर लॉज में हमारे जो सरकार में जो उसकी खुद की जो अपनी पॉलिसीज हैं कि हम किसे कुटीर उद्योग कहेंगे किसे लग उद्योग कहेंगे वो तो बहुत सर्टेन नहीं है चीजें बदल रही हैं ठीक है तो बदलाव के हिसाब से अगर आप किसी इकोनॉमी को बहुत भूम करना चाहते हैं तो आपको खुलापन देना पड़ेगा भारत में अभी भी अगर हम बात करें तो लाल फीताशाही खत्म हो गई रेड टेपिज्म खत्म हो गया है लेकिन भारत में अनुमति जो वाद है वो आ गया है तो आपने एक तरह से कह सकते हैं कि लाल फीताशाही खत्म की लेकिन अनुमतिवाद परमिशनिज्म आ गया आपके पास आपको हर बात के लिए गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा परमिशन के लिए तो अगर आप इकॉनमी को एक्चुअली बूम करना चाहते हैं एक अरब चालीस करोड़ लोगों में जो एक बड़ा लेबर फोर्स है अगर उसका फायदा उठाना चाहते हैं तो हर बात के लिए परमिशन और हर बात के लिए चीजों को मत तय करिए क्योंकि सरकार में परिवर्तन होते होते बहुत टाइम लग जाता है तब तक इधर इकॉनॉमी का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है तो लोगों को स्वतंत्रता दीजिए काम करने के जो आपके सरकारी जो परिभाषाएं उसको बदलने की बहुत जरूरत है तभी जो है हम इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल में कन्वर्ट कर पाएंगे और ऐसे प्रोत्साहन देने पड़ेंगे हुँ. जैसे सबसे बड़ा कारण है टैक्स लैब्स तो भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर आतंकवादी कहा जाता है टैक्स टेररिस्ट कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप संगठित भी होंगे तो सरकार इतने तरह के आपसे टैक्स ले लेती है वो जीएसटी भी लेगी वो कॉर्पोरेट टैक्स भी लेगी वो आपसे पर्सनल टैक्स भी लेगी डर रहे हैं इससे तो सरकार को जो टैक्स की दरें हैं वो बहुत संगत करनी पड़ेगी नियमों को और आसान करना पड़ेगा सबसे बड़ी बात अपनी जो पुरानी परिभाषा हैं जिसमें वो समाजवाद का बहुत ढेर सारा जो है इनपुट है उसको हटा के व्यवहारिक चीजों की तरफ जाना पड़ेगा लोगों को काम करने की आज़ादी देनी पड़ेगी तभी हम ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे आ, तो सर जाहिर सी बात है कि सुधार और प्रयास तो हैं वो हमेशा जारी रहेंगे लेकिन फिलहाल के लिए हमारे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा किस पर आप और ज्यादा एलोबोरेशन चाहते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद